सिकिल सेल एनेमिया, सिकिल सेल एनेमिया, सिकिल सेल एनेमिया का हम लोग यहाँ पर क्रॉस का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में क्रॉस कराए थे, उसी प्रकार से भी इसमें भी क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने से पहले आप लोग इन तीनों शब्द को समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति मान लो कहना चाहिए नॉर्मल है, तब उसमें इस प्रकार से पोजीशन रहेगा एच ए एच ए। मान लो कहना चाहिए कोई क्या है, कैरियर है, ट्रेड। कुछ पुस्तकों में कैरियर को ट्रेड भी लिखा जाता है, ट्रेड। इसमें यदि कोई व्यक्ति ट्रेड है तो इस प्रकार का पोजीशन रहेगा ए एस। मान लो कोई व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है, रोगी है, तब इस प्रकार से लिखा जाएगा एस एस। इसको डबल एस एस कहा जाता है और वाहक को ए एस कहा जाता है और नॉर्मल को ए ए कहा जाता है। क्लियर। अब मान लो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ क्रॉस का। यदि हम लोग कहते हैं एक व्यक्ति रोगी है, एक व्यक्ति क्या है, रोगी है, और एक क्या है, वाहक है, दोनों दंपति है, या तो इसको मेल इसको फीमेल, या इसको मेल या फिर इसको फीमेल, मतलब कोई भी को एक को मेल मानना है और एक को क्या मानना है, फीमेल मानना है। क्लियर। तो क्रॉस कराने की एक विधि मैं आप लोगों को मेंडल लॉ में बताया था, उसी फार्मूला को आप लोग को अपनाना है। वन टू थ्री फोर, और इसको लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए वन थ्री टू फोर, जो जो आ रहा है उसको लिख दीजिए और आपको पता मिल जाएगा। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि ये क्या है एच एस, 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 क्योंकि ये रोगी है तो सभी में एस 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 आएगा। अब इधर से देखते हैं वन थ्री, तो एच ए एच ए एस 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 एस। तो देखिए ये क्या है, दिस इज रोगी, ये क्या है कैरियर, ये क्या है दिस इज, ये क्या है कैरियर, मतलब 50% दिस इज और 50% वाहक। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो कहना चाहिए एक क्या है कैरियर और एक क्या है नॉर्मल, तो इधर से वन टू थ्री फोर, इसको लिख देते हैं एच एस, इसको लिख देते हैं एच एस, इसको लिख देते हैं एच ए, इसको लिख देते हैं एच ए। क्लियर। वन टू तो एस एस, थ्री फोर तो ए ए, इसको लिख देते हैं वन थ्री, ये क्या हो जाएगा एच ए, ये क्या हो जाएगा एच ए, और ये हो जाएगा टू फोर, ये हो जाएगा एच ए और ये हो जाएगा एच ए। मान लो इन दोनों के बीच कहने से विवाह होता है, ये क्या है वाहक और ये क्या है नॉर्मल, तो ये क्या है वाहक, ये क्या है वाहक, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, मतलब 50% नॉर्मल और 50% वाहक। क्लियर। मतलब आपको क्रॉस कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप इसको पूरी तरह से याद कर लें, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, हालांकि सिकिल सेल एनीमिया में क्रॉस कराने का अभी तक नहीं आया है क्योंकि उतना डिटेल 12वीं में नहीं है जितना कि मैं डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, आपका क्रॉस कराने वाला क्वेश्चन आता है केवल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में, चूंकि कहने चाहिए आप जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अनुवांशिकी रोग है, तो आपको इसके बारे में भी कहने चाहिए विस्तृत जानना चाहिए कि कई देशों में क्या होता है, शादी कराने से पहले
शादी कराने से पहले सिकलिंग टेस्ट कराया जाता है, आरएच फैक्टर टेस्ट कराया जाता है। कल बताऊंगा आप लोगों को मैं आरएच फैक्टर को। कई देशों में विवाह होने से पहले सिकलिंग टेस्ट होता है, आरएच फैक्टर टेस्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाले निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कई टेस्ट कराया जाता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच विवाह नहीं किया जाता है। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच विवाह होगा तो आने वाली संतान कंप्लीट क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। यहाँ तक कि वाहक और वाहक के बीच भी विवाह नहीं कराते हैं, क्योंकि दोनों वाहक है तो 25% संतान क्या हो जाएगी, रोगी। देखिए मैं वाहक वाहक के बीच क्रॉस कराता हूँ। ये है वाहक, ये क्या है वाहक, और ये क्या है वाहक। दोनों वाहक है, पति पत्नी दोनों क्या है, वाहक है। तो देखेंगे इसमें 25% बच्चे रोगी आएंगे। 1, 2, 3, 4 इसको ले लेते हैं एच एस, इसको ले लेते हैं एच एस, इसको ले लेते हैं एच ए, इसको ले लेते हैं एच ए, क्लियर। अब 1, 3 तो इसको ले लेते हैं एच ए, इसको ले लेते हैं एच ए, और 2, 4 तो इसको ले लेते हैं एच एस, और इसको ले लेते हैं एच एस। देखिए 25% रोगी आए कि नहीं आए, ये डिसीज है। ये क्या है डिसीज, मतलब 25% बच्चे क्या होंगे, सिकलिंग से ग्रसित, और ये 50% क्या रहेंगे, वाहक। 50% क्या रहेंगे, कैरियर, और 25% क्या रहेंगे, नॉर्मल। तो कई देशों में विवाह से पूर्व भी क्या कराया जाता है, टेस्ट कराया जाता है। सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया। आगे है उसके बाद थैलेसेमिया, आगे है उसके बाद थैलेसेमिया। थैलेसेमिया कहना चाहिए सिकलिंग से भी और बड़ा घातक रोग है। आगे है थैलेसेमिया, ठीक है जी। भूमि, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। आगे देखते हैं थैलेसेमिया, यहाँ पर लिखा हूँ सिकल सेल एनीमिया के बाद थैलेसेमिया है, फिर अल्जाइमर है, दो रोग और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं थैलेसेमिया, क्लियर। ये जो थैलेसेमिया है सिकलिंग का ही बड़ा रूप है। थैलेसेमिया क्या है, सिकलिंग का बड़ा रूप है। सिकलिंग में आप लोग को क्या बताया था, सिकलिंग में आप लोग को मैं क्या बताया था जी, सिकलिंग में मैं बताया था जो कहने चाहिए अल्फा चैन है और क्या है बीटा चैन है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, ठीक है। तो सिकलिंग में बताया था पहले और छठवें अमीनो एसिड के बीच क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, मतलब छठवें में ग्लूटेमिक एसिड होना चाहिए लेकिन उसके जगह में कौन सी एसिड आ जाती है, वेलिन नामक अमीनो एसिड, ये बताया था। लेकिन थैलेसेमिया में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चैन का ही निर्माण नहीं हो पाता है। अल्फा और बीटा चैन में पॉलीपेप्टाइड चैन का ही निर्माण नहीं हो पाता है इसमें, तो पॉलीपेप्टाइड चैन का ही निर्माण नहीं हो पाएगा तो इस रोग को क्या बोलेंगे, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया से ग्रसित व्यक्ति जल्दी डेथ हो जाते हैं। हालांकि सिकल सेल एनीमिया भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित कोई व्यक्ति ब्लड चेंज करा कर और अच्छे पौष्टिक भोजन खाकर वो 25, 30, 35 साल तक जीवित रह सकता है। यदि उसमें ब्लड चेंज कराने की क्षमता नहीं है क्योंकि उसमें अधिक खर्च आते हैं, उसके लिए आपको कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में ब्लड चेंज नहीं होगा, आपको बार बार कहना चाहिए मुंबई जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक गरीब आदमी अपने जिंदगी में मुंबई नहीं जा पाता है तो ब्लड चेंज कराने के लिए संभवतः नहीं जा पाएगा। तो गांव में कहना चाहिए जो सिकलिंग रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं लगभग 20-22 साल में क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। लेकिन कहना चाहिए थैलेसीमिया उनसे और बड़ा रूप है, इसमें तो पॉलीपेप्टाइड चैन का ही निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसके कारण इनकी भी क्या हो जाती है, अल्प समय में मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इसका इलाज जीन थेरेपी के माध्यम से किया गया है। इस रोग का इलाज जीन थेरेपी या फिर बोन मेरो टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन करके इनका उम्र बढ़ाया जा सकता है। बोन मेरो टिश्यू इसका ट्रांसप्लांटेशन करा के या जीन थेरेपी के माध्यम से इसके उम्र को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता। मतलब इलाज नहीं है, इलाज तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से होगा, मतलब पहले ही होगा, उत्पन्न भ्रूण के उत्पन्न होने से पहले ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन किसी की मान लो कहने की कोई संतान है उनके शरीर में प्रेजेंट है तो केवल उसका उम्र को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, रोग का इलाज नहीं किया जा सकता। क्लियर। आगे है उसके बाद अल्जाइमर, इसको मैं यहीं पर बता रहा हूं। अल्जाइमर क्या है तो अल्जाइमर कहना चाहिए इस रोग की खोज जर्मनी के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने किया है। उस न्यूरोलॉजिस्ट का नाम क्या है, अल्जाइमर। मतलब वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस रोग का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। हम लोग देखते हैं अधिकांश जगह जो वैज्ञानिक होता है जो खोजता है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो अल्जाइमर एक वैज्ञानिक का नाम है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट है। उन्होंने ये बताया अल्जाइमर रोग कहना चाहिए एक कौन सा रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन में होने वाली क्या है, वो विकार है। तो अल्जाइमर ने यह बताया जब कोई व्यक्ति 40 साल के पार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति 40-50 साल से जैसे ही उम्र बढ़ते हैं तो उनके ब्रेन में एमाइलॉइड नामक प्रोटीन का जमा होने लगता है। उनके मस्तिष्क में एमाइलॉइड नामक प्रोटीन का क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। जैसे ही व्यक्ति 40-50 साल के आगे उम्र में बढ़ती है उनके मस्तिष्क में एमाइलॉइड प्रोटीन का क्या होने लगता है, जमा होने लगता है ब्रेन में, जिसके कारण न्यूरॉन क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती है। जिसके कारण व्यक्ति में क्या रोग उत्पन्न हो जाता है, भूलने की बीमारी। क्या रोग उत्पन्न हो जाती है, भूलने की बीमारी, जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। तो अधिकांश हम लोग देखते हैं 50-60 साल की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं अधिकांश चीजों को भूल जाते हैं, कहां पर सामान रखे हैं, कहां पर क्या सामान को रखें, कहां पर अपना मोबाइल रखें, कहां पर डायरी रखें, कहां पर पर्ची रखें, कहां पर क्या सामान रखें, उसको याद आसानी से नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं भूलने की बीमारी। मतलब याददाश्त क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसी को क्या कहा गया है, अल्जाइमर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तव में एमाइलॉइड नामक प्रोटीन का जमाव नहीं होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है हमारे क्रोमोसोम का जो 9वें और 11वें क्रोमोसोम के जीन में कुछ त्रुटि हो जाती है। 9वें और 9वें क्रोमोसोम के जीन में क्या हो जाती है, कुछ त्रुटि हो जाती है, उसके कारण कौन सा रोग होता है, अल्जाइमर। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्जाइमर रोग किसके कारण होता है ये अभी तक निश्चित ज्ञान नहीं है। कोई कहता है इसका जमाव होता है, कोई कहता है इसमें चेंज होता है, कोई कहता है इसमें जीन में चेंज होता है। तो वास्तव में साइंटिफिक रीजन अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना मानना चाहिए ये डिमेंशिया रोग है। मतलब याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इसको कहने की जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसको माना जाता है। इसको भी एक बार नीट में पूछा गया था अल्जाइमर रोग से कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर रोग से कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है,
ब्रेन मतलब मस्तिष्क। क्लियर। लास्ट में है सेक्स लिंकेड जीन, इसी का हम लोग शुरुआत किए थे जब आज पढ़ाई शुरू किए थे हम लोग, लगभग कहना चाहिए 100 मिनट पहले, लगभग 100 मिनट पहले, आज कहना चाहिए लगभग 3-4 पीरियड लिए हैं आज। तो सबसे पहले सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस से प्रारंभ किए थे। इस रोग का आप लोग को 2 लक्षण बताया था मैं, एक था हीमोफीलिया और एक था कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में रक्त क्या होती रहती है, निकलते ही रहती है और रक्त का थक्का नहीं जम पाती है और अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। कलर ब्लाइंडनेस में मैं क्या बताया था, जब किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंड नामक रोग होता है तो लाल कलर और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। लाल और हरा को बताएंगे तो उस व्यक्ति को या तो दोनों लाल कलर का दिखाई देगा या फिर दोनों हरा कलर का दिखाई देगा, मतलब लाल और हरा कलर में वह विभेद नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेड डिसीज। क्लियर। तो आज का पढ़ाई लगभग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला दिन एक पीरियड और बचा हुआ है। ये जो आप लोगों का 12वीं बायोलॉजी का जो फिफ्थ चैप्टर है, 12वीं बायोलॉजी का जो आप लोगों का फिफ्थ चैप्टर है, मतलब ये जेनेटिक्स है वास्तव में, इनहेरिटेंस, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या फिर किसी में लिखा रहता है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत केवल एक चैप्टर और एक टॉपिक और बचा हुआ है जो लगभग आधे घंटे का लेक्चर है। मैं जो पढ़ाया हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा कहना है कि जो YouTube का लिंक है, YouTube का लिंक का नाम है मेरा बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब से करें। और एक उसके बाद कहना चाहिए बेल आइकन की घंटी आती है उसको आप लोग टच जरूर करें, इसके बाद मेरा अगला वीडियो आप लोगों के पास स्वतः पहुंचेगा। तो मैं चाहता हूं ये कोरोना जो वैश्विक महामारी एक रोग है, इस रोग के कारण पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में स्कूल और कॉलेज क्या है, अभी बंद है। तो इस बीच कहना चाहिए सभी स्टूडेंट अपने घरों में ही है, तो बहुत बच्चे कहने चाहिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ 12वीं बायोलॉजी का कहने चाहिए जो विषय है उसको, संपूर्ण विषय को लगभग सितंबर या अक्टूबर तक पूरी करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के घर तक मैं अपना वीडियो पहुंचाऊंगा। और आप लोग मेरा यूट्यूब जो चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने घर में मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को आप लोग घर में अध्ययन करिए और अपने मित्रों को भी दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष लाखों स्टूडेंट कहना चाहिए 12वीं पढ़ते हैं, उसमें से 50,000 से अधिक तो कहना चाहिए बायोलॉजी वाले ही रहते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए, आज के लिए